प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गडरवारा। डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं हूँ। विषय हिंदी, पाठ 14 सबरी। आज मैं इस पाठ के अभ्यास में लघु एवं दीर्घ प्रश्न एवं उसके बाद भाषा अनुशीलन समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप लघु प्रश्न देखिए, निकाल लीजिए लघु प्रश्न। देखिए प्रश्न पहला, सबरी की कुटिया में कौन आया था। प्रश्न पहला है, सबरी की कुटिया में कौन आया था। सबरी जाति की भेड़नी थी, वह वन में कुटिया बनाकर रह रही थी। वह राम की भक्त थी। जब उसने सुना कि भगवान राम मुनियों के आश्रम से होते हुए एक दिन मेरी कुटिया में आने ही वाले हैं, वह वन में जाती है और प्रतिदिन भगवान के लिए बेर चुन चुन करके लाती है। उसकी भक्ति को देख करके भगवान राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में आते हैं। अतः राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में आए थे। स्वागत का सुविधान से क्या आशा है। श्री राम वन में विचरण करते हुए सबरी की कुटिया में पहुंच जाते हैं। वहां उनके स्वागत के लिए स्वयं प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि सबरी के पास उनके स्वागत के लिए कोई साधन ही नहीं था। प्रकृति के द्वारा बंधनवार एवं पावड़े बिछ गए थे। पक्षियों के चहचहाट से संख जैसी आवाज निकल रही थी एवं सूर्य का दीपक जल रहा था। इसका मतलब यही होता है कि स्वागत का संविधान यानी प्रकृति के द्वारा व्यवस्था करना। आगे का प्रश्न देखिए, द्विजगण क्या सुनाते हैं और क्यों। द्विज यानी होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग पूजा पाठ के समय संघ उच्चारण संघ से ध्वनि निकालते हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में जाते हैं तो सबरी के पास संघ नहीं था। यहाँ पर प्रकृति के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी, पेड़ पौधों ने पत्ते त्याग दिए थे, पीले पत्तों के पावड़े बने हुए थे, लताओं ने बंधनवार बना दिया था, वन के पक्षियों ने भगवान राम के रूप को देख करके जो कोलाहल कर रहे थे उससे संघ के समान ध्वनि निकल रही थी। अर्थात इसका आशय यही हुआ, द्विजगण संघोच्चार कर रहे थे यानी पक्षियों की जयचहाट हट संघ के समान ध्वनि निकाल रही थी। आगे का प्रश्न देखिए, सबरी के किस भाव को देखकर श्री राम हंस पड़े। जब भगवान राम और लक्ष्मण मुनियों के आश्रम से होते हुए सबरी के द्वार पर आते हैं, सबरी के पास उनके स्वागत करने के लिए कोई साधन नहीं था। वह मन ही मन कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी वंदना में कौन सा गीत सुनाऊं? मुझे तो कोई गीत आता ही नहीं है और ना ही मेरे पास आपकी आरती उतारने का कोई साधन है। भगवान राम सबरी के मन की बात को जान जाते हैं और वे मन ही मन हंसने लगते हैं। सबरी ने राम लक्ष्मण को खाने के लिए क्या दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में आते हैं
सबरी उनको बैठने के लिए मृगछाला की आसन देती है और वह मन में सोचती है कि मैं इनके भोग के लिए क्या दूं। वह प्रतिदिन बन जाती थी और भगवान राम के लिए मीठे मीठे फल चुन करके लाती थी। उसने भगवान राम के लिए अपनी कुटिया के कोने में बेल रख लिए थे और वही बेल भगवान राम और लक्ष्मण को भोग लगाने के लिए देती है, अर्थात खाने के लिए देती है। आगे का प्रश्न देखिए, सबरी कविता में श्री राम की छवि का वर्णन किस रूप में किया गया है? सबरी कविता में श्री राम की छवि का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। भगवान राम का सांवला रूप रहता है, वे जटाजूट का अपने माथे पर मुकुट लगाए हुए हैं, अर्थात माथे पर जटाजूट का मुकुट शोभायमान हो रहा है। वे अपने कंधे से धनुष को टांगे हुए हैं और तरकस हाथ में लिए हुए हैं। उनकी सुंदरता के आगे करोड़ों सुंदरता भी तुच्छ समझ में आ रही है, हीन दिखाई दे रही है। इस तरह कवि ने वनवासी श्री राम के भव्य रूप का वर्णन किया है। राम लक्ष्मण को अपनी कुटिया पर आया हुआ देखकर सबरी की दशा कैसी हो गई? जब सबरी ने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण मेरे द्वार पर आए हुए हैं, तो उन्हें देख करके सबरी अचंभित हो जाती है। उसकी वाणी से उनके आने पर ऐसे कोई शब्द नहीं निकलते हैं, उसकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आते हैं। वह उनको एक टकटकी लगाए देखती रहती है, वह रूप मुग्ध हो जाती है, उनके रूप को ही देखती रहती है। आगे का प्रश्न देखिए, सबरी ने श्री राम लक्ष्मण का सत्कार कैसे किया? उसका मन विरल क्यों हो गया? श्री राम और लक्ष्मण जब सबरी की कुटिया में आए तो सबरी उन्हें देख करके भाव विभोर हो गई। उसके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं था। उसने उनके बैठने के लिए मृगछाला का आसन दिया जिस पर दोनों भाई बैठ जाते हैं। वह उनके रूप को निहार रही है, वह उनके चरणों की बार बार वंदना कर रही है। फिर वह अपनी कुटिया के भीतर जाती है और कुटिया के कोने से जो प्रतिदिन बेल चुन चुन कर लाती है वो लाती है और केले के पत्ते पर दोनों भाइयों को बेल रखकर देती है और बड़े प्रेम के साथ दोनों भाइयों को बेल खिलाती है। आगे का प्रश्न देखिए, किंतु आज जो तृप्ति, ये वाला प्रश्न देखिए, यह पंक्ति भक्तों को अत्यंत प्रेम करने वाले श्री राम के भावों को व्यक्त करती है। जब श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया में पहुंचते हैं, जब वो अयोध्या को त्याग कर आए हुए थे और मुनियों के आश्रम से होते हुए जब सबरी की कुटिया में पहुंचते हैं, वैसे मुनियों ने भगवान राम का बहुत स्वागत किया, लेकिन जब वो सबरी की कुटिया में आते हैं, सबरी के पास स्वागत के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी, वह तो उनके रूप पर मुग्ध हो गई थी। वह केले के पत्ते पर बड़े प्रेम के साथ उनको बेल परोसती है। दोनों भाई सबरी के द्वारा दिए गए मीठे मीठे बेरों को बड़े प्रेम के साथ खाते हैं। जब भगवान राम उन बेरों को खाते हैं तो उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आते हैं।
क्या अपराध हो गया जो आपके नेत्रों में आंसू आ गए। तो श्री राम कहते हैं, हे माता, ये आंसू प्रेम के हैं। जब से मैं अयोध्या को त्याग कर आया हूं, उसके बाद आज मुझे माता कौशल्या के समान परसा हुआ भोजन तुमने खिलाया है। मुझे माता कौशल्या के भोजन की भी याद आ रही है और उस याद को करके मेरी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए हैं। अब आगे का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कीजिए। सिर्फ हमको समास बताना है। कमल नयन, कमल के समान नयन, वैसे कर्मधारय समास का ये उदाहरण है। आगे का देखिए। जड़ चेतन, जड़ और चेतन, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। कृपा सिंधु, कृपा के सिंधु, अब के विभक्ति आई है तो कौन सा समास होगा बताइए, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बल माली, बल का मालिक, आया समझ में, तो ये भी कौन सा है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वैसे आपको समास नहीं बताना, सिर्फ विग्रह करना था। आगे का देखिए। पर्यायवाची शब्द बताना है तो इसमें गगन, गगन का क्या होगा, नव और आकाश। कमल, जलज और अमृत, नीरज। आगे का क्या है, जननी, जननी किसको कहते हैं, माता और मां। द्रव, द्रव का आंख, लोचन, चक्षु, आप तो बता सकते हैं, आप बहुत समझदार हैं, वैसे आप पूरे कर लेंगे पर मैं आपको बता ही रही हूं। बसंत, मधुमास और ऋतुराज, मदन भी बोल सकते हैं आप, अनंग भी बोल सकते हैं, आया समझ में। अब आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर तीसरा। कविता में भोजन, भोजन बेर बेर जैसे पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, आप समझते हैं, मैं व्याकरण बताऊंगी उसमें मैं आपको समझाऊंगी। आप ये देख लीजिए दो दो शब्द ऐसे कहाँ आए हैं, आपको लिखना है। बेर बेर में इन बेरों का सदरी करती मृदुल सरा। इस पंक्ति में बेर शब्द के कौन कौन से अर्थ निकल रहे हैं स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में बेर के दो शब्द निकल रहे हैं, बेर बेर, एक बेर कौन सा, खाने वाला, और तो दूसरा बेर समय के लिए, बेर बेर यानी बार बार, आया समझ में। तो ये दो शब्द निकल रहे हैं। आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा, मुझे भी अच्छा लगा है आप लोगों को समझाने में। धन्यवाद।